बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, ड्राइविंग करने के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। राइट सेक्शन बोनेट, लेफ्ट सेक्शन बोनेट, 4 इंच 3 इंच का जाएगा दोस्तों। मैं उधर भी देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ओवर व्यू देखना पड़ रहा है। अभी सामने देखते रहो, भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा, आप लोगों को आसानी होगा देखने में। यहाँ से होते हुए आप लोगों को ऐसा नजर रखना है, ये वाला नजर रखने के लिए है जो हमारा ओवर बीम की तरफ है, देखो, ठीक है, ऐसा देखना है, ऐसा, ठीक है। आप लोगों को ऐसा ही सोचना है, जहां पे मेरा मिडिल जा रहा है वहां पे मेरा लेफ्ट व्हील नहीं है, उसे 1.5 फुट दूर पे है, जैसा आपका गाड़ी का साइज है उतना दूर है, यहाँ पे है वो, ठीक है। इसको मेरे को ओवरटेक करने के लिए मैंने स्टीयरिंग को घुमा दिया, एग्जैक्ट आंखें रहेगा आपका जो मिरर के बीचों बीच, वो सबसे बेस्ट सेटिंग होता है। अभी मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा, इसको ओवरटेक कर लेते। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखे थे कार की जजमेंट, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट जजमेंट। तो इस वीडियो के अंदर जो डाउट हो रहा था उसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक डायग्राम है, ठीक है। अभी इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, ये कार का हमारा बोनेट है, ठीक है, सामने राइट सेक्शन, ठीक है, ये वाला है हमारा राइट का सेक्शन, दाहिने ओर, ठीक है, और ये वाला है मेरा लेफ्ट सेक्शन। अभी क्या क्या करना है देख लो, ध्यान से डायग्राम को देखो, ठीक है। सबसे पहले ये जो मेरा कार है, इसका जो सामने बोनेट है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, मेरे को आप लोगों को ऐसा देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं देखना है, ऐसा देखना है, यानी कि डैशबोर्ड का लाइन को देखना है, डैशबोर्ड का लाइन को देखना है, और डैशबोर्ड का एग्जैक्टली जो इसका मेजरमेंट है, इसको मेजरमेंट मेजर करना है। उसको मेजर करने के बाद इस मिडिल को एक मार्क, एक यानी कि कुछ भी मार्क आप लोग रख सकते हैं, मिडिल को लेना है, ठीक है। वैसा ही करके यहाँ पे मेरा ये डायग्राम के अंदर ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे मार्क है, समझ लीजिए, ये मेरा जो शोपीस है, यहाँ पे जो परफ्यूम का डिब्बा है, ठीक है, ये मेरा यही वाला मार्क है। अभी क्या करना है बहुत ही ध्यान से सुनो, आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे लिखा है बोनेट, ठीक है, और यहाँ पे एक रेड लाइन है, यानी कि आप लोगों को ऐसा बीच में से ना इसको मिडिल से एक लाइन सोचना है, एकदम सीधा, और ऐसा देखना है, ऐसा नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अभी जब भी हम लोग ये जो लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, इस लाइन को ड्रॉइंग करने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे दो हिस्से में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला एक हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये वाला एक हिस्सा हो गया, यानी कि दो दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया, राइट सेक्शन बोनेट, लेफ्ट सेक्शन बोनेट। अभी क्या करना है, ये मेरा स्टीयरिंग है, अभी स्टीयरिंग के एकदम दाहिने ओर आप लोग देख सकते हैं एक डॉट जा रहा है ऐसा करके, ठीक है, यानी कि एक लाइन सोचना है, ये डॉट यानी कि आप लोगों को सोचना है, पहला वाला ये लाइन सोचा हमने, ठीक है, मिडिल से डिवाइड कर दिया बोनेट को, यानी कि कार का डिवीजन हो गया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो स्टीयरिंग है दोस्तों, स्टीयरिंग से एक लाइन ऐसा सोचना है, जो ये मेरा राइट व्हील है, इस राइट व्हील के सामने जाके एक एरो ऐसा जा रहा है, ठीक है, यानी कि कैसा, यहां से आप लोग को ऐसा सोचना है, और इसको देखना भी है ऐसा, ताकि जो भी सामने गाड़ी आ रहा है उस लाइन से कोई भी गाड़ी को हम लोग बाहर रख सकते हैं, जो भी मेरा सामने आ रहा है, ठीक है, और इसी लाइन को ऐसा नहीं देखना है, ऐसा देखना है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी क्या करना है दोस्तों, अभी ये जो स्टीयरिंग है हमारा, ठीक है, ये स्टीयरिंग का ये जो हिस्सा से ना, यहां से एक लाइन सोचना है, जो लाइन यानी कि ये जो लाइन रहेगा, ये वाला लाइन आप लोगों को ऐसा सोचना है, और ये जो लाइन आप लोगों को सोचना है मिडिल से जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मिडिल से जाने के बाद एग्जैक्टली यहां से लाइन गुजरेगा और लेफ्ट व्हील के सामने जाके खत्म होगा। अभी ये तो एक लाइन हो गया, ठीक है, पहला ये वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये वाला लाइन यहां से गुजरेगा, ठीक है, मिडिल से होते हुए एकदम सामने जो लेफ्ट व्हील है उधर से जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक एकदम सामने जाके खत्म होगा। ये लाइन को भी आप लोगों को ऐसे देखना है, ऐसा नहीं। अभी देखिए, ये जो रेड हिस्सा है, ये मेरा पिलर है, ए पिलर, यानी कि गाड़ी का ये वाला ए पिलर बोलते हैं हम लोग इसको भी, ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं ए पिलर, ठीक है, मिडिल का बोलते हैं बी पिलर। तो दोनों ए पिलर, यानी कि ए राइट पिलर, ए का लेफ्ट पिलर, यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट पिलर, यहाँ पे लेफ्ट पिलर। अभी क्या करना है, आप लोगों को दोनों लाइन को ना ऐसा सोचना है, एक लाइन यहाँ से जाएगा और एक लाइन यहाँ से होते हुए आप लोगों को ऐसा नजर रखना है, ये वाला नजर रखने के लिए है जो हमारा ओवर बीम की तरफ है, ठीक है। अभी हर कोई चीज जो जिसको भी हम लोग ओवरटेक करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, उस गाड़ी को देखना है, यानी कि ओवर बीएम में यहाँ पे एक लाइन सोचना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोगों को इस लाइन को सोचना है। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह खींचे है, ठीक है, एग्जैक्टली ये जो जोन है, यानी कि लेफ्ट साइड जजमेंट करने के लिए आप लोगों को ये वाला हिस्सा गाड़ी का बचा के जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी गाड़ी आप लोगों का सामने आ रहा है नहीं तो जा रहा है, उसका पीछे का व्हील यहाँ पे लेके आना है, दोनों व्हील को, यानी कि अगर हम लोग ऐसे करके देखते हैं ना, तो जो भी गाड़ी मेरा सामने आएगा दोनों व्हील इस तरफ रहेगा, तो जब भी दोनों व्हील इस तरफ रहेगा आप लोगों को उसको ओवरटेक करके हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका गाड़ी का ओवर बीएम के साथ आपका
बैठने का जो भी पॉस्चर है, यानी कि कैसे आप लोग बैठते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक वर्ड बीम के ऊपर वीडियो है, उसको जरूर देखिए, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए, हो गया। अभी उसके बाद बात करते हैं जो गाड़ी का सीट, गाड़ी का सीट को ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसा नहीं आप लोग को बॉनेट दिखना है, नहीं, बॉनेट नहीं भी दिखाई दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सीट को सेटअप करना है, उसको आदत डाल देना है। सीट को ऐसा रखो, सबसे बेस्ट पोजीशन आपका जो आईज है ना, जो आंखों है, एग्जैक्ट आंखें रहेगा आपका जो मिरर के बीचों बीच, वो सबसे बेस्ट सेटिंग होता है। और जो हिस्सा बचा के जाना है वो है हमारा इधर का हिस्सा, ठीक है, मिडिल से लेके कॉर्नर तक, लेफ्ट व्हील, ठीक है, लेफ्ट व्हील को बचा के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज, गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील है वो कहां से गुजर रहा है उसको भी आप लोगों को माथे पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग उसको माथे पे नहीं रखेंगे कहां से आपका व्हील गुजर रहा है तो दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं गाड़ी को घुमा लेता हूं और थोड़ा ट्रैफिक वाले रास्ते में जाते हैं और देखते हैं। देखो यहां पे मैं टर्न कर रहा हूं, कैसे, कितना टर्न खत्म, ठीक है, फिर से सीधा। और हमेशा आपका जो स्टीयरिंग है उसको ऐसे इस्तेमाल किया करो ताकि वो ऐसा लगे आप मैनुअल हो, प्रैक्टिस डाला करो, ठीक है। देखो ऐसा हो गया सीधा, मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, ये रोटेशन यानी कि घूम गया ऑटोमेटिक। और हमेशा जो भी गाड़ी आपके सामने जा रहा है, मेन टॉपिक है दोस्तों, आपके सामने जो गाड़ी जा रहा है उसका पीछे का व्हील को आपका गाड़ी का मिडिल से बाई तरफ लेके आना है, ठीक है। जब भी वो इधर आ जाएगा तब हम लोग उसको ओवरटेक करके जा सकते हैं, यानी कि राइट हिस्से के अंदर कुछ नहीं रहेगा, जितने भी गाड़ी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग इधर पे लेके आएंगे। अभी कितना इधर पे लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा गाड़ी के साइज के ऊपर, आपका जो गाड़ी है उसका कितना विड्थ है, जो सामने का गाड़ी आप लोग जिसको ओवरटेक कर रहे हो उसका कितना विड्थ है, दोनों विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। अगर ज्यादा विड्थ है तो आप लोग को ज्यादा उसको इधर पे लेके आना है और ऐसे देखना है वो गाड़ी कहाँ पे है। बॉनेट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉनेट हमेशा मेरे को दिख नहीं पाता हूँ मैं बॉनेट को, मगर आप लोगों को दिखाई देता है क्योंकि मेरा जो कैमरा है ना वो मेरा थोड़ा माथे के ऊपर रहता है, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगता है मेरे को बॉनेट दिखाई दे रहा है, मेरे को बिल्कुल बॉनेट नहीं दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। बिना बॉनेट ना देखे मैं ड्राइव करता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही करना है, सीखना है। देखो फ्रंट जजमेंट के ऊपर और एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको भी चेक करो, सिर्फ फ्रंट के लिए वीडियो है, उसको देखो, और राइट जजमेंट का भी वीडियो है, इसको भी देखो। अभी डिस्कशन करते हैं जो गाड़ी का जो यानी कि लेफ्ट साइड कितना हम लोग उसको अंदर रखेंगे, यानी कि रास्ते से नहीं तो गाड़ी से पास से कितना दूर रखेंगे, वो है आप लोगों को ऐसा समझना पड़ेगा आपका गाड़ी दूसरे गाड़ी से कितना दूरी पे है। समझ लो यहाँ पे रिक्शा है, मेरा गाड़ी कितना दूर है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जहां से सोचते हैं मेरा गाड़ी का मिडिल जा रहा है वहां से मेरा लेफ्ट व्हील जा रहा है, मगर मिडिल में मेरा लेफ्ट व्हील नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग रोकते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है ना मेरा गाड़ी जो है एग्जैक्टली जो मेरा मिडिल है रास्ते के ऊपर एकदम एंड का जो लाइन है उधर से जा रहा है, मगर बिल्कुल वैसा बात नहीं है, मेरा लेफ्ट व्हील उसके ऊपर से जा रहा है और ये जो मिडिल है ये रास्ते से लगभग 1.5 फुट अंदर है। तो इसका मतलब यही हुआ, आप लोगों को ऐसा ही सोचना है जहां पे मेरा मिडिल जा रहा है वहां पे मेरा लेफ्ट व्हील नहीं है, उसे 1.5 फुट दूर पे है, ठीक है। मगर लगता है ऐसा मिडिल से ही वो मेरा लेफ्ट व्हील जा रहा है, ऐसा लगता है, मगर लेफ्ट व्हील 1.5 फुट या 1 फुट जैसा आपका गाड़ी का साइज है उतना दूर है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप लोगों को मेजर करना है आपका लेफ्ट व्हील कितना दूर पे है आपका गाड़ी के मिडिल से, यानी कि गाड़ी का बीच में से आपका लेफ्ट व्हील कितना दूर पे है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, उसको आप लोगों को बहुत ही यानी कि ध्यान पे उसको रखना है। हाँ, मेरा लेफ्ट व्हील इतना दूर पे है, मेरे को इतना स्पेस यानी कि बरकरार रखना है गाड़ी को सेफ लेके जाने के लिए। जब भी आप लोगों को लेफ्ट व्हील कहां से गुजर रहा है उसका आइडिया आने लगेगा ना, तो एकदम आसान लगेगा, ठीक है। माथे पे रखना ही है आप लोगों को, बाई तरफ नजर रखना है, ठीक है, मिडिल से कितना दूर है लेफ्ट व्हील उसको भी देखना है हमेशा, सबसे इजी ट्रिक है, मिडिल से कितना दूर है मेरा व्हील, ठीक है। और ऐसा सोचना है यानी कि मिडिल से मेरा जो गाड़ी डिवाइड मैंने कर दिया, जितनी भी गाड़ी है उसको मेरे को लेफ्ट हिस्से पे लेके आना है उसको ओवरटेक करने से पहले, एकदम आसान सा ट्रिक है, ठीक है। अभी देखो, और जब भी आप लोग वीडियो देखोगे ना, वीडियो को ठीक से देखो, मिडिल को देखो और कितना दूर से मेरा गाड़ी जा रहा है, पहले कितना दूर पे है, कहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं, उस पोजीशन को देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो यह पे है वो, ठीक है, इसको मेरे को ओवरटेक करने के लिए मैंने स्टीयरिंग को घुमा दिया, वो उधर चला गया, यानी कि बीच में से सेंटर में से वो लेफ्ट सेक्शन पे आ गया, तब मैं बिल्कुल सेफ हूं उसको ओवरटेक करने के लिए एकदम आराम से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3 नंबर गियर, अभी मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। मिडिल को देखा करो, सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा, आसानी होगा समझने में, ठीक है। देखो
देखो सामने देखो मैं कैसे जज कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा सोचना है, ऐसा एक लाइन, ऐसा एक लाइन, ठीक है। देखो ऐसा एग्जैक्टली ना, आप लोग जब भी डाइव करेंगे आप लोगों को ये हैंड को इस्तेमाल करना है जो है एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 देखना है, ठीक है। देखो इसको फॉलो करो, देखो ऐसा, ठीक है। देखो हुआ ना क्लियर, ठीक है, ऐसा देखना है ऐसा, ठीक है। एक लाइन यहां पे रहेगा, एक लाइन यहां पे, ठीक है, ऐसा देखो कहां पे, इसको देखो, इसको देखो, ऐसा 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 जाना है ना। तो इससे क्या होगा ना, स्पेस मिलेगा दोस्तों, देखो ऐसा सोचना है, ठीक है। ऐसा ड्राइव मत कर, मतलब मत करो, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसे ड्राइविंग करना है, ओके। इसको आप लोगों को माथे पे रखना है दोस्तों, ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को कुछ ध्यान पे रख के ड्राइविंग करना है दोस्तों, ठीक है। अभी सामने देखते रहो, ठीक है, मेरे हाथ को फॉलो करो, कहां पे मैं देख रहा हूं उसको भी फॉलो किया करो, ठीक है। देखो ऐसा, सामने बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, कैसे मैं इसको टैकल कर रहा हूं इसको फॉलो करो दोस्तों, ठीक है। देखो मैं उधर भी देख रहा हूं, ठीक है, मेरे को वॉल्यूम देखना पड़ रहा है, डायने भी देखना पड़ रहा है एक साथ, ताकि जजमेंट ठीक से हो, ठीक है। अभी देखो ऐसे, ठीक है, अभी सामने देखते रहो, भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा, आप लोगों को आसानी होगा देखने में। मैंने अभी भी दो नंबर गियर पे है, ठीक है, मैंने एक नंबर अभी तक नहीं डाला, डालूंगा कुछ देर बाद, अगर ज्यादा देर रुकता है गाड़ी तब, ठीक है। अभी देखो उधर पे, देखो बंदे लोग, बच्चे लोग है इधर पे, देख के जाना है, ठीक है, काफी स्पेस है, दे दिया स्पेस मैंने, ठीक है। अभी इसको देखो ऐसा, ठीक है, ये भी गाड़ी सीख रहा है, एल लिखा है। देखो अभी मेरे को एक नंबर गियर डालना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं है, दो नंबर दिया मैंने, फिर से गाड़ी के अंदर टॉर्क है, ठीक है। अभी इस दौरान ना मेरे को पीछे देखना है, ठीक है, पीछे बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, पूरा एकदम मेरे को मतलब लगा हुआ है पूरा गाड़ी के साथ, चिपका हुआ है, ठीक है। देखो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ड्राइविंग करने के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। देखो कितना नजदीक से मेरा गाड़ी गुजर रहा है बस का, 4 इंच 3 इंच का जाएगा है दोस्तों, सिर्फ उसके बीचों बीच मेरा गाड़ी का जो राइट साइड और बस का जो सीट है 3 इंच का जाएगा था दोस्तों। तो यहाँ पे जजमेंट देखो, मैं स्टीयरिंग जजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पिलर को देखना पड़ रहा है, ठीक है, पिलर कितना दूर पे है, पिलर को भी देखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ज्यादा भीड़ रहेगा आप लोगों को पिलर को भी नजर रखना है, ठीक है, सिर्फ ऐसा इमेजिनरी लाइन नहीं, पिलर को भी देखना है, ठीक है। चलो यहां पे देखो ऐसा ऐसा जा रहा हूं, ओके, अभी देखो कॉन्फिडेंटली आप लोगों को हमेशा ड्राइव करना है, इधर उधर देखना नहीं है, ठीक है, सीधा रखना है, मुंडी को सीधा रखना है, आंखें जो आंखों है वो घूमेगा, ठीक है। अभी सामने देखो ऐसा, ठीक है, 3 नंबर गियर डाला मैंने, फुल कॉन्फिडेंट लेकर ड्राइव करना है, सामने जितनी भी गाड़ी आ रहा है यहां से जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, ऐसा लाइन, उस लाइन से सारी चीजें बाहर है, ठीक है, उस लाइन को भी देखना है, इसको भी देखना है, हो गया। जब भी मैं साइकिल को ओवरटेक कर रहा हूं, ओवरटेक किया उसके तुरंत ही मैंने वहां पे देखा कितना दूर है मेरे से, ठीक है। अभी शुरुआत में आप लोगों को हमेशा देखना पड़ेगा, मगर बाद में ना उसको देखना नहीं पड़ेगा, मैं अभी देखता नहीं हूं उतना, ठीक है, वो मेरे को आइडिया हो गया है, हाँ, कि इतना दूर जाने से हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। हाँ, जिसको ओवरटेक कर रहे दोस्तों आप लोग, उस गाड़ी का स्पीड कितना है, वो क्या बहुत जोर से आ रहा था, तब आप लोग को जरूर देखना है, ठीक है, तब मिस नहीं करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे दोस्तों, ठीक है।
तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत सतर्क होकर ड्राइविंग करना पड़ेगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ड्राइविंग के बीच, यानी कि सिंबल से रास्ते का लेन है, लेन को भी मेंटेन करना है दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही होना है, ठीक है, सब कुछ सही होना है। बस देखो अभी मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो ऐसा एग्जैक्टली ऐसा, इसको ओवरटेक कर लेते, ऐसा निकला मैं बहुत जोर से, पूरा खींच के निकल गया, ठीक है, सामने खाली था, पांच नंबर गियर मैंने चढ़ा दिया था, चार नंबर गियर डाल दिया क्योंकि ब्रेकिंग किया मैंने, इसको जाने देता हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ, हो गया खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया, पूरा खींच के गया ये गाड़ी, देख सकते यहाँ पे भी साइकिल था, यहाँ पे इस सिचुएशन पे मेरे को देखना पड़ेगा, इधर पे साइकिल है, एक बच्चा जा रहा है, इधर पे मेरे को जो रिक्शा है मेरे को एकदम मेरे नजदीक आ रहा है, तो क्या करना है, स्लो जाना है, ठीक है, कंफ्यूजन है तो रुक जाओ, टाइम नहीं है तो एकदम एग्जैक्टली डिसीजन जल्दी ले लो, ठीक है, जल्दी लेना डिसीजन को, ऐसा नहीं सोच रहा हूं, सोचते सोचते मतलब गाइड ठोक जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है, सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, देखो उसको ओवरटेक किया, जोर से किया, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस था बहुत कम था, इसीलिए जब भी आप लोग कोई भी फास्ट मूविंग गाड़ी को ओवरटेक करेंगे उसको जल्द से जल्द ओवरटेक करें, जब भी सामने से गाड़ी आ रहा है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे जो स्पेस रहेगा ना ये कम रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सके जल्दी ओवरटेकिंग करें, जल्दी ओवरटेकिंग करना सीखे, स्लो पे नहीं, ताकि आप लोगों को स्पेस मिले ओवरटेक करने के बाद, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। देखो अभी सामने जो रिक्शा जा रहा है मेरा राइट सेक्शन पे है, उसको मेरे को ओवरटेक करने के लिए जाने के लिए उसको लेफ्ट की तरफ लेके आना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ऐसा जा रहा हूं मैं, नहीं जा सकता, जा सकता, काफी जगह है यहां पे, देखो ब्लाइंड टर्न है, ठीक है, ओवरटेक कर सकता हूं, यहां पे ओवरटेकिंग नहीं करना है, ठीक है, मैंने किया, ठीक है, मौका मिला कर दिया, मगर यहां पे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अभी पांच नंबर गियर पे है, गाड़ी बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है, सामने दो दो साइकिल जा रहा है सामने, ठीक है, कहां पे, इधर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, तो ऐसा आप लोगों को ड्राइव करना है, फुल सतर्क, जजमेंट सही करके, हमेशा इधर देखना है, इधर देखना है, ठीक है, दोनों लाइन को देखना है ऐसा, ठीक है, ऐसा सोचना है, इधर भी देखना है, सब कुछ देख के गाड़ी को ड्राइव करना है, टारगेट सिर्फ एक ही रहेगा, गाड़ी का लेफ्ट साइड को बचा के जाना है, लेफ्ट साइड पूरा नहीं बचाना है दोस्तों, सामने बचाना है सिर्फ, अगर आप लोग ये जो कॉर्नर हिस्सा जो बचाएंगे ना, जो डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखे थे, जो कॉर्नर वाला हिस्सा आप लोग बचाएंगे तो गाड़ी पूरा बच जाएगा, लेफ्ट हिस्सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, डायग्राम के अंदर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा को आप लोगों को सेव करना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा को, लेफ्ट सेक्शन बोनेट यहाँ पे, ये वाला जगह को आप लोगों को बचा के जाना है, यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये वाला लाइन और यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन, और हमेशा गाड़ी को रास्ते का मिडिल से मत जाओ, थोड़ा सा मिडिल करके जाओ, यानी कि ज्यादा उधर नहीं, ज्यादा स्पेस थोड़ा सा छोड़ना है बाई तरफ, ठीक है, ताकि सामने से जो भी गाड़ी आएगा हम लोगों को मौका मिले उधर घिसने के लिए, ठीक है। देखो इधर से ऐसा सोचना है, ठीक है, और इधर से ऐसा सोचना है, और उस मिरर को देखना है, बस तीन चीज, और गाड़ी का जो मिडिल है उस बोनेट को डिवाइड कर देना है, और कुछ नहीं दोस्तों, बोनेट को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो मैं इधर पे गाड़ी को घुमा लेता हूँ, घुमाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये पीछे पे मैं, मेरे को देखना पड़ रहा है, ठीक है, देखो देखो अभी गाड़ी घूम गया बैक, पीछे जाएगा काफी था, कोई दिक्कत नहीं, देख के जाना है, ठीक है, ताकि कोई गाड़ी ना जाए, खाली हो गया, ठीक है, दो नंबर गियर उठा दिया, गाड़ी चल गया ऊपर, गाड़ी अभी तीन नंबर गियर, चलो बस ऐसा करके जाना है दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो, फॉलो करो ठीक से, जहां पे मेरा गाड़ी का जो मेरा मिडिल जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना मेरा गाड़ी का जो मिडिल है वो रास्ते के बीचों बीच जा रहा है, और जो मेरा गाड़ी का जो रेस्ट बाई तरफ का जो हिस्सा है वो बाहर है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर जहां पे आप लोगों का ये वाला दिखाई देगा वहां से आप लोगों का व्हील जा रहा है रियलिटी में, ठीक है, असल में गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील है वो उधर से जा रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है गाड़ी का जो मिडिल है मिडिल वहां से जा रहा है, ये देखो ऐसा
उसके ऊपर से जाता हूँ, ठीक है। ये उधर बिल्कुल स्पेस नहीं है, पोल वगैरह है ज्यादा, इधर पे उस वो पे जाना नहीं है। ऐसे आप लोगों को ड्राइव करना है, ठीक है। देखो उधर पे एक बाइक था, बाइक के साथ मेरा 2-3 इंच का फैसला था, ज्यादा नहीं। 3 नंबर गियर यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है मेरा जो लेफ्ट सेक्शन है वो गाड़ी से टच कर जाएगा, मगर बिल्कुल नहीं, उससे काफी दूर है वो। यानी कि मिडिल से मेरा गाड़ी का लेफ्ट व्हील कितना दूर पे है उसको आप लोगों को गाड़ी से उतर के ठीक से देख के जान लेना है, 1 फुट है, 1.5 फुट है या 2 फीट है, बड़ा गाड़ी है तो कितना फुट डिस्टेंस है मिडिल से लेफ्ट व्हील, बस और कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखो ऐसा जा रहा है ना, देखो कैसा लग रहा है, लग रहा है मेरा मिडिल जा रहा है मगर उधर से मेरा लेफ्ट व्हील जा रहा है। इस चीज को देखना है, हमेशा लाइन नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कितना डिस्टेंस पे है मेरा लेफ्ट व्हील। राइट सेक्शन बहुत इजी है, यहां से क्लाइन सोचना है, पिलर को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है, मिडिल से सोचना है। हाँ, इस पिलर को देखना है जब बहुत रश आएगा, ठीक है, बहुत गाड़ी आप लोगों के सामने आ जाएगा तभी इस पिलर को देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। सेक्शन के अंदर है, इसको मेरे को ओवरटेक करके जाने के लिए इसको मेरे को यहाँ पे लेके आना है। ओवरटेक करने के लिए मेरे को स्टीयरिंग को इधर रोटेट करना है, इस गाड़ी का मिडिल इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 नंबर गियर पे, ठीक है, हल्का सा रोटेट, हॉर्न दिया, उसको बताया मैंने मैं आ रहा हूँ, ठीक है, वो भी इधर आ रहा था, देख सकते कैसा रिक्शा है, साइड दिया फिर से इधर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।